हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आए हैं। यदि आप 10वीं पास है तो MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने 12th पास कर रखी है यानी कि 10+2 कर रखी है तो आप LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो सबसे पहले हम आपको पोस्ट डिटेल्स दिखा देते हैं। तो यहाँ 10th लेवल की वैकेंसी हम यहाँ 5 नंबर पर आपको दिखाएंगे। यहाँ क्रम वाइज वैकेंसी है। प्रथम बात करेंगे 5 नंबर पे आपको जो वैकेंसी मिल रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की मिल रही है, ठीक है। प्रथम वैकेंसी आपको MTS की मिल रही है जिसमें आपको वेतन मिल रहा है। वेतन आप लोग यहाँ देख सकते हो, पे मैट्रिक्स Level 1 के अनुसार 7CPC के तहत इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। तो हम वेतन आप लोगों को बता देते हैं कि प्रारंभिक वेतन आपका 18,000 से इसमें आपका वेतन स्टार्ट रहेगा। 18,000 इसमें आपका जो है वेतन रहेगा, और इसी के साथ आपको 1900 रुपये इस भर्ती प्रक्रिया में ग्रेड पे मिल जाएगा। तो ऑलरेडी आपको यहाँ ग्रेड पे भी अच्छा मिल रहा है, और यहाँ वैकेंसी भी है जो 10th लेवल की है, तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ 10th पास का जो सिलेबस है बहुत ईजी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th पास उन्होंने कर रखी है, यानी कि कुछ वैकेंसीज हाई लेवल की निकलती है, उसकी तुलना में MTS की जो पोस्ट है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि MTS का जो सिलेबस है वो भी बहुत आसान रखा गया है। यदि आप MTS की तैयारी करना चाहते हैं तो मतलब नॉर्मली तैयारी यहाँ MTS के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को करनी पड़ती है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा MTS की पोस्ट और LDC की पोस्ट लेके आता हूँ, क्योंकि LDC और MTS की जो पोस्ट है वो बहुत ही आसान है। यहाँ LDC में यदि आपका टाइपिंग अच्छा है तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, और यदि आपकी टाइपिंग वगैरह का नॉलेज नहीं है तो आप MTS में आके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ कुछ ITI की वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है, ITI की कुछ वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसी आपको ITI ट्रेड से मिल रही है, तो ये जो वैकेंसीज है आपको कारपेंटर की वैकेंसी है ITI ट्रेड से मिल रही है। यहाँ भी पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार इसमें आपको वेतन मिला 19,900 रुपये प्रति माह आपके इसमें वेतन रहेगा। इसका जो है मल्टीटास्किंग का जो 10वीं पास थी उसका रहेगा आपका वेतन केवल 18,000, इसका 19,900, जिसमें आपको कारपेंटर की पोस्ट मिलेगी। और इसके बाद में टेक्नीशियन की पोस्ट है आपको प्लम्बर जो है प्लम्बर ट्रेड से मिल रही है, और इसमें भी जो है आपका वेतन रहेगा 19,900 रुपये, ठीक है। तो ये है इसका प्रारंभिक वेतन। और इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी लो डिवीजन क्लर्क की, यानी कि LDC की। यदि आप LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो आपका पे मैट्रिक्स Level 2 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिल रहा है, तो वेतन जो है प्लम्बर और जो कारपेंटर है, यानी कि 2 नंबर की जो पोस्ट है और 3 नंबर की जो पोस्ट है और 4 नंबर की जो पोस्ट है, सेम वेतन आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट में इन पोस्टों के लिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद में टेक्नीशियन असिस्टेंट कैटेगरी सेकेंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो इसमें भी जो वेतन है आपका थोड़ा हाई लेवल का वेतन मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पास वैकेंसी है, ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो यहाँ आपको अच्छा वेतन मिलेगा। डिप्लोमा डिग्री होना अनिवार्य है इस पोस्ट के लिए। और इसके बाद में हम आपको बता देते हैं ये जो वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसीज है, और ये वैकेंसी है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, ये वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। ये जो है वैकेंसीज है जो है कहाँ से मिल रही है, वुड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आपको मिल रही है। यदि आप केंद्र सरकार के अंतर्गत ये जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहे, हम आपको डिटेल्स वाइज बताएंगे। इसके बाद में यहाँ आप भी राजस्थान पुलिस और लाइब्रेरियन साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी राजस्थान पुलिस में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी यह है कि सुभाष जी सर अभी आपको लाइव पढ़ाएंगे। कहाँ लाइव पढ़ाएंगे हम आपको डिटेल्स वाइज बता देते हैं। राजस्थान पुलिस की यहाँ लाइव क्लासेस चलेगी, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, 50 आवर्स के आपको वीडियो मिलेंगे, जो है ऑल यूनिट की नोट्स मिलेगी, और 10+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, PDF लाइव क्लासेस आप सभी सुविधा इस ऐप पे ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोगों को बताई गई है कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो प्रथम जो पोस्ट थी हमारी जो MTS की थी तो 18 से लेकर 27 वर्ष है, और टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 वर्ष है, यानी कि इसमें जो 10वीं पास के साथ साथ ट्रेड में ITI, और इसके बाद यहाँ जो वैकेंसीज है हमारी MTS के लिए, उसके लिए MTS में आपको 10वीं पास होना है, और इसी के साथ अनुभव यदि आपके पास है
तो इसका फॉर्म आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी डिटेल्स थी LDC की, तो LDC के लिए 10+2 रखी गई है और इसी के साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट यहाँ रखी गई है। तो ये नॉर्मली है आपके यहाँ इसमें जो टाइपिंग, सॉरी टाइपिंग 35 तो है यहाँ इंग्लिश की और 30 है यहाँ हिंदी की। इसके बाद में कैसे अप्लाई करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप आसानी हो, आपको आसानी हो फॉर्म भरने में। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दी गई है और इसी के साथ पहले बात करते हैं फॉर्म। तो फॉर्म यहाँ सिलेबस बताया गया, फॉर्म से पहले या MTS का सिलेबस आप लोगों को बताया गया, LDC का सिलेबस आप लोगों को बताया गया और इसके बाद ये जो है वैकेंसी डिटेल्स आपको यहाँ अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि आप टेक्नीशियन ग्रेड MTS, यानी कि अलग अलग यहाँ जो है आपको फॉर्म मिल जाएंगे। ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है, जैसे कि आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो MTS के लिए ये वैकेंसी के लिए ये फॉर्म आपको भरना है। सीधे तौर पे बात करते हैं वैकेंसी आपको जो कहाँ से मिल रही है, तो कास्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान से वैकेंसी आपको मिल रही है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लिए वैकेंसी है और भारत सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी आप लोगों को मिल रही है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो रहेगी 31 जनवरी 2020 तक आपको ये जो अप्लाई कर देना है। अदर स्टेट के लिए रहेगी 16 जनवरी और इस एड्रेस पे आपको ये जो है डाक वगैरह सेंड कर देनी है, ठीक है। और यदि आपको कुछ इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको इसका जवाब दे देंगे ताकि आपको आसानी हो इस भर्ती प्रक्रिया की अन्य रूल्स और जो है नियम बताए गए हैं वो समझने में। तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जॉब दिखाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।